हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में अच्छी हॉरर फिल्म्स कम ही बनती हैं, लेकिन शायद इंडिया में हॉरर जॉनरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। और उसको देखते हुए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी 12 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है। शायद आप मेरा हिंट किस तरफ है समझ भी गए होंगे। जी हाँ, इस मूवी का नाम है तुम्बाड़। और आज मैं इसके ट्रेलर टीज़र को थोड़ा सा ब्रेक करके थोड़ी सी स्टोरी और मूवी से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं वो बताऊंगा। हालांकि ट्रेलर को देखकर ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे मूवी देखने की रुचि और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए अब चलते हैं बिना किसी देरी के ट्रेलर और टीज़र ब्रेकडाउन की तरफ। तो दोस्तों, तुम्बाड़ एक हिस्टोरिकल पीरियड की फिल्म है जो कि एक माइथोलॉजी पर बेस्ड है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट किया है राही अनिल बर्वे ने और आदर्श प्रसाद ने। इसके प्रोड्यूसर्स हैं आनंद एल राय, और जिन्होंने तनु वेट्स मनु और आने वाली मूवी जीरो को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है। और साथ में है सोहम शाह, जो कि इस मूवी में विनायक का लीड रोल निभाएंगे। इन्होंने तलवार और सिमरन जैसी मूवीज़ में काम किया है। बाकी प्रोड्यूसर्स की बात करें तो वो हैं मुकेश और अमिता शाह। अब अगर हम बात करें इसके टीज़र की, जो कि 21 अगस्त को आया था, तो यहाँ पर यह है पुणे की कहानी, जो कि 1920 के आसपास दिखाई गई है। यह कहानी एक ब्राह्मण फैमिली की है जो कि 3 जनरेशन के इर्द गिर्द घूमेगी, ऐसा ट्रेलर और टीज़र को देखकर समझ आता है। तो टीज़र के शुरुआत में ही एक कहानी सुनाई जाती है कि एक देवी के बारे में। एक ऐसी देवी है जो बहुत ही ज़्यादा धन और सब कुछ न्योछावर करने वाली देवी है। यह धरती उनकी कोख है, जिससे उन्होंने 16 करोड़ देवी और देवताओं को जन्म दिया। यह सारी बात विनायक कह रहा है, ऐसा हमको बैकग्राउंड में सुनाई देता है। अब कहानी इस चीज़ के इर्द गिर्द घूमती हुई दिख रही है कि देवी को अपने पहली संतान से बहुत ज़्यादा प्यार था, जिसका नाम था हस्तर। अब सदियां बीत जाती हैं और हस्तर देवी की कोख में सोया रहता है, जब तक कि इनके पूर्वज हस्तर की पूजा करके हस्तर को नहीं जगा देते। अब यहाँ पर एक छोटा बच्चा पूछता है कि हस्तर को जगाया क्यों गया। तभी एक आवाज़ आती है कि हस्तर का शाप हमारे लिए वरदान है। और तभी बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है कि डरा नहीं रहा, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ। अब आते हैं इसके ट्रेलर के ऊपर, जो कि 24 सितंबर को आया है, यानी कि 2 दिन पहले। टीज़र से हमको कहानी तो थोड़ी सी पता चल गई कि क्या माइथोलॉजी है, पर इनसाइट हमको ट्रेलर में देखने को मिलता है। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमको एक फैमिली अपना घर छोड़ते हुए दिखाई देती है, जिसमें से एक औरत ये कह रही है कि सरकार मर गया, यानी कि सरकार इज़ डेड। ट्रेलर सिर्फ 2.5 मिनट का है, लेकिन हमको ये भी पता लग जाता है कि ये एक पैलेस है जिसमें खजाना छुपा हुआ रखा है। और एक लड़का है, शायद विनायक का बेटा, जो कि ये कहता है कि वो ही उस जगह के मालिक और हकदार हैं। तभी पैलेस का दरवाज़ा खोला जाता है और अंदर छुपी हुई चीज़ बाहर निकलती है। अब इस ट्रेलर से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस खजाने को बहुत से लोग खोजने आए थे, लेकिन कोई ज़्यादा पास तक नहीं पहुँच पाया। ये भी हिंट हमको ट्रेलर में दिखाई देता है कि इस खजाने की रक्षा कोई भूत करता हुआ है शायद से। और तभी एक बूढ़ी और दबी सी आवाज़ में हम सुनते हैं कि हक की हर चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं होती। और यह आवाज़ किसी और की नहीं, बल्कि ये एक बुज़ुर्ग औरत की है, जो शायद विनायक की माँ हो सकती है। अब इस मूवी के अंदर विनायक, उसका बेटा और उसके पूर्वज तीनों धरती की कोख, यानी कि देवी की कोख में जाते हैं, जहाँ पर हस्तर एक डीमॉन बंद है। ऐसा माना जाता है कि हस्तर ने अपनी माँ के पास से सारा खजाना और खाना चुराने की सोची थी, जिसकी वजह से शायद उसको कैद कर दिया गया था। अब आज़ाद होने के लिए शायद इंसानों के लालच का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। और एक ख़ास बात यह है कि जब यहाँ पर विनायक उस अंदर जाता है, यानी कि देवी की कोख में, वहाँ पर शायद उसकी माँ वहाँ पर एक अजीब से रूप में थी, और बहुत ही अजीब सी उसकी वहाँ पर शरीर के बाहर जड़ें निकली हुई थी, और उसका दिल अलग तरीके से धड़क रहा था, और वो दोनों साथ में बड़े अजीब तरीके से हंसते हैं, जैसा कि मानो कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, और वो इतना ज़्यादा सोने के लिए लालची है, यानी कि जो गोल्ड कॉइन्स वहाँ पर दिखाए गए हैं ट्रेलर के अंदर, वो उसके लिए इतना ज़्यादा पागल है कि उसको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वहाँ पर उसकी माँ का क्या हाल हुआ है। तो दोस्तों, ट्रेलर और टीज़र से तो मुझे इतना ही इनसाइट मिलता है, क्योंकि पूरी स्टोरी को प्रेडिक्ट कर पाना सिर्फ टीज़र और ट्रेलर देखकर काफ़ी मुश्किल लग रहा है।
इस मूवी को मैं 12 अक्टूबर को ज़रूर देखने जाऊंगा थिएटर में, और देखने के बाद आप सबको फुल रिव्यू और एक्सप्लेनेशन मेरी तरफ से ज़रूर मिल जाएगा। अब दोस्तों इस मूवी से जुड़ी कुछ खास चीज़ें जान लेते हैं। यह मूवी 30 अगस्त को 75th वेनाइस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर की जा चुकी है, और ये पहली ऐसी इंडियन फिल्म है जो वहाँ पर स्क्रीन हुई है, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। और दोस्तों इस मूवी का टाइटल एक मराठी नोवेल तुम्बाड़चे खॉट से लिया गया है। डायरेक्टर का ये कहना था कि इस फिल्म का पहला ड्राफ्ट 2007 में ही तैयार हो गया था, लेकिन काफ़ी सारे इश्यूज की वजह से ये मूवी उस वक्त शूट नहीं हो पाई। इस मूवी की शूटिंग एक ऐसी जगह पर हुई है जहां पर पिछले 100 साल से किसी इंसान ने अपने कदम तक नहीं रखे हैं, और मॉनसून के मौसम में ये फिल्म शूट हुई है, जो कि काफ़ी स्पूकी फीलिंग और साउंड इफेक्ट्स और नेचुरल माहौल होगा, तो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक रहेगा। ट्रेलर देखकर इसकी स्टोरी लाइन और स्क्रिप्ट राइटिंग काफ़ी बेहतरीन लगती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मूवी में डायलॉग बहुत ही ज़्यादा कम होंगे। इस मूवी के विजुअल इफेक्ट्स पर भी काम करने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो मूवी मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी रहनी चाहिए। और मेरा आप सबसे ये एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस मूवी के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और मैं आज ही अपने ऑफिस में इसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन नोबडी न्यू अबाउट दिस मूवी। जितना ज़्यादा लाइक और शेयर आप इस वीडियो को करेंगे, उतना ही ज़्यादा बॉलीवुड हॉरर शॉनरा को सपोर्ट मिलेगा, और काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ हमको देखने को मिल पाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल घोष सीरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं आपको मिलता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ में। तब तक के लिए स्टे।